फ्रेंड्स, मैं हूं आपका करंट कोच ललित भदौरिया। हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। पिछले कुछ सालों में हमने जितने भी कैंडिडेट्स को करियर एडवाइस दिया है उनमें से अधिकतर कैंडिडेट्स की सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो हम चाहेंगे कि हम लोग आपके साथ शेयर करें। तो अब मैं वीकली बेसिस पर यानी कि हर हफ्ते मैं आपके साथ एक सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करूंगा। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड मिस्टर दीपांशु से। हेलो दीपांशु, देहरादून में ही रहते हैं, नया गांव देहरादून में। और आज से 3 साल पहले ये किचन के लिए गए थे एज अ कुक। इनिशियली इनका जो सैलरी था वो अप्रोक्स 1500 धिरम था, 1500 AED। और आज की डेट में जो इनका सैलरी है, अब इनको 3 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, और आज की डेट में जो इनका सैलरी है वो लगभग 3 से 3500 धिरम है और 60,000 रुपये से ज़्यादा ये अर्न कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से मिलाऊं। अगर कोई इंसान वहां जाके मेहनत करता है, कंसिस्टेंट रहता है, तो नेचुरली उसको ग्रोथ मिलती है। तो मैं दीपांशु जी को चाहूंगा कि वो भी आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करें। मैंने दीपांशु से रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम आप 2-3 टिप्स जरूर हमारे कैंडिडेट्स को दें कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। दीपांशु जी, प्लीज हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज उनको कुछ एक दो अच्छे टिप दीजिए आप। हाय, माय नेम इज दीपांशु। मैं ललित सर से करीबन 4 साल पहले मिला था। तो उस समय हमारी बात हुई, जब मैंने कॉलेज पास आउट किया तो मैं सर के पास आया, मेरे सर एडवाइस दीजिए किस तरीके से मुझे ग्रो करना चाहिए। तो सर ने एडवाइस करके मेरे को एक हॉस्पिटलिटी ब्रांड में दुबई में रिक्रूट कराया था। तो इनिशियली तो मैं एज अ कॉमी गया था, देन कंटिन्यूस हार्डवर्क, उसके बाद मैं एज अ टीम लीडर हूँ वहाँ पर किचन में। मैं आप लोगों से यही एडवाइस करूँगा कि वेन यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट कीजिए, राइट टाइम जरूर आएगा कि आपकी प्लेसमेंट्स होगी। फिर वहाँ पे भी आप अगर आप डेडिकेटेड रहते हैं, आप कंटिन्यू हार्डवर्क करते हैं, कोई पॉलिटिक्स या किसी चीज़ में नहीं जाते, तो ग्रोथ जरूर है। ये मत सोचिए कि आप कंटिन्यूसली हार्डवर्क कर रहे हैं और आपको कुछ उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल फ़ायदा होगा, इनिशियल स्टेज में नहीं होगा तो लेटर ऑन जरूर आपको फ़ायदा होगा। तो हमेशा गाइडेंस लीजिए। मैं हमेशा आता हूँ, जब भी वैकेशन आता हूँ सर से मिलता हूँ, 1 साल में आऊँ चाहे 2 साल में आऊँ, मैं सर से मिलता हूँ, गाइडेंस लेता हूँ, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सर से पूछता हूँ, सर मुझे गाइड करते हैं। इसी तरह हमारा जो रिलेशनशिप है वो ग्रो कर रहा है और आगे वाले टाइम में इसी तरह ग्रो करता रहेगा। मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने अंदर पेशेंस रखिए ताकि आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में सर आपकी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को अंडरलाइन करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि दीपांशु बहुत लकी थे या इनको बाय चांस कुछ मिल गया। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि दीपांशु जब डिग्री ले रहे थे उस समय इनके फादर मेरे से मिले थे। वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पे काम कर रहे थे, उस टाइम आके वो पहले मेरे से मिले थे कि मेरे बेटे के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि सबसे पहले आप उनको डिग्री कम्प्लीट करने दीजिए, उसके बाद इंटर्नशिप करने दीजिए, और जब 6 महीने 1 साल ये जॉब कर लेंगे उसके बाद आप मेरे से मिलवाइएगा। तो उन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शन को माना, क्योंकि देखिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जब आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे होते हैं तो कुछ और होता है, और जब आप रियल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में आते हैं तो इट्स रियली टफ। मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि आर्मी के बाद अगर दूसरा सबसे टफ सेक्टर कोई है तो वो हॉस्पिटैलिटी है, स्पेशली जो लोग किचन में काम करते हैं। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा होमवर्क करके यहाँ से जाएं, थोड़ा सा इंटर्नशिप कंप्लीट करके जाएं, फिर हमसे मिलें। और आज के डेट में दीपांशु गल्फ में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं और अब ये अपना आगे का फ्यूचर जो है यूरोप या कैनेडा, अच्छी कंट्रीज में देख रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने कोर सेक्टर में, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी है और आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन कुछ भी है। और इस स्टोरी से मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा कि अब देखिए डायरेक्टली अगर आप लोग चाहेंगे कि आपको कनाडा जाना है या किसी अच्छे कंट्री में जाना है तो हो सकता है कि डायरेक्टली जाना पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं, आज के डेट पर दीपांशु के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है दिखाने के लिए। नाउ ही इज अ डिग्री होल्डर, ही हैज गॉट अ लेजिटिमेट एक्सपीरियंस। तो अभी अगर ये किसी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री या कनाडा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसका इनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा और इनके लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी रहेगा माइग्रेट करना। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू दीपांशु। थैंक यू सर।